रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से और जिए जाते हैं दिल से। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं आती। एहसास बदल जाते हैं बस और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैर की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। किसी को नज़रों में ना बसाओ, क्योंकि नज़रों में सिर्फ सपने बसते हैं। बसाना ही है तो दिल में बसाओ, क्योंकि दिल में सिर्फ अपने बसते हैं। जब आपको किसी के साथ उम्र भर रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां आप उसकी गलतियों को दफना सको। एक बात हमेशा याद रखो, किसी के सामने गिरगिराने से न तो इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है मुझसे तो आज ही ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी ज़िंदगी भी। कैसे करूँ मैं साबित कि तुम याद बहुत आते हो, एहसास तुम समझते नहीं और अदाएँ हमें आती नहीं। अफसोस होता है उस पल जब अपनी पसंद कोई और चुरा लेता है, ख्वाब हम देखते हैं और हकीकत कोई और बना लेता है। साथ छोड़ने वालों को तो बस एक बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो मौत के दरवाजे तक साथ नहीं छोड़ते। कभी भी दूसरों के बातें सुनकर अपने रिश्ते को ख़त्म मत करिए, रिश्ते अपने होते हैं दूसरों के नहीं। लड़िए रूठिए पर बातें बंद न कीजिए, बातों से अक्सर उलझने सुलझ जाती हैं। गुम होते हैं शब्द, बंद होती है जुबान, संबंध की डोर ऐसे में और उलझ जाती है। वक्त तो रेत है, फिसलता ही जाएगा, जीवन एक कड़वा है, चलता ही जाएगा। मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियाँ, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के न आएगा। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। दर्द उस खंजर से नहीं हुआ जो मेरी पीठ में लगा, दर्द तब हुआ जब मैंने खंजर वाले हाथों को देखा। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हाल में हो, सबको बस यही चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें। हमने ये वहम पाल रखा है, सारा कारवा मैंने ही संभाल रखा है। उदासी यानी अतीत में मन, तनाव यानी भविष्य में मन, शांति यानी वर्तमान में मन। धन्यवाद से होता कुछ भी नहीं पर मिलता बहुत कुछ है, और शिकायत से मिलता कुछ भी नहीं पर खोता बहुत कुछ है। ये आंसू भी एक परेशानी है, खुशी और गम दोनों की निशानी है। समझने वाले के लिए अनमोल है और ना समझने वाले के लिए सिर्फ पानी है। रिश्ता जब आंसू पोंछने के बजाय आंसू देने वाला हो जाए तो समझ लेना कि उस रिश्ते ने अपनी उम्र पूरी कर ली है। ये इंसानी फितरत है, बुराई की तरफ इंसान दौड़ कर चला जाता है जबकि अच्छाई की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है परंतु आप उसके पैरों को नहीं काट सकते, इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ़ कर देते हैं और अक्लमंद लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कूड़े की चाहत में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। किसी को कभी दुख मत देना,
क्योंकि दी हुई चीज एक दिन हजार गुनी होकर लौटती है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप उठे तो कोई बैठा न रह सके। खुदा के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह, एक मांगो हजारों मिलती है। और दुनिया की सबसे महंगी चीज सहयोग, हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलती है। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। कोई हमारा विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वह हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम मुस्कुराना नहीं छोड़ते। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है।